देखिए को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया मलाई की जो एक इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने दस्तावेज आरटीआई के जरिए उसके बाद बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया उसके बाद करके तमाम नेताओं के ट्वीट आए सामने जेपी नड्डा मंत्री अमित शाह और अब हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले को लेकर बीजेपी की जरा देखिए जब विपक्ष समूचा खड़ा होकर कहता है कि नेहरू जी इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी नेहरू जी तो चल बसे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ये नहीं कर सकते आप तब देश की सरकार इंदिरा जी की सरकार कांग्रेस की सरकार संसद को झूठ बोलती है ये कहते हैं ना संसद का सम्मान नहीं हो रहा संस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा संसद को झूठ बोलती है और कहती है ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है इस आइलैंड को हैंड करने का ये किया जाता है प्रथम परिवार के द्वारा 1969 में इसको अपोज किया जाता है तब भी झूठ बोला जाता है और 1973-74 के दरमियान चोरी चोरी चुपके -चुपके, जिस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए देश की अखंडता देश के हितों के खिलाफ समझौता करते हुए देश के एक भूमि को देश की जमीन को श्रीलंका के पास सौंप दिया जाता है और इसी संदर्भ में मैं आज कुछ सवाल इस डॉट लगाने वाले देश के नाम में अलायंस से भी पूछना चाहता हूं और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं जो देश बचाने का दम भरती है प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं क्या यह हमारे राष्ट्रहितों के साथ समझौता था या नहीं

तमिल संस्कृति को लेकर करते हैं तमिल लोगों को तमिल लैंग्वेज को लेकर करते हैं इज दिस नॉट अ डायरेक्ट असोल्ट ऑन द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ तमिल पीपल? क्या ये तमिल के, के लोगों के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला नहीं था जिसमें मॉडल यह था फैमिली फर्स्ट नॉट नेशन फर्स्ट क्या यह तमिलनाडु के मछुआरों के साथ धोखेबाजी नहीं थी क्या ये तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों के साथ और जीवनी के साथ खिलवाड़ नहीं था वॉज इट नॉट अ डायरेक्ट असोल्ट ऑन द लाइफ एंड लाइवलीहुड कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी तमिलनाडु के मछुआरों को इस कदम के बाद और क्या यह तमिलनाडु की गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं था मेरा अगला सवाल परिवारवादी जो ये देश के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाला गठबंधन है क्या यह पहली बार ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कांग्रेस का तो डीएनए और चरित्र लगातार राष्ट्रहित के साथ समझौता करने वाला रहा है और इसीलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी किस प्रकार से अक्साई चीन अवैध कब्जे में दे दिया चीन के किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले जाने थी कोको आइलैंड काबो वैली यहां तक कि सियाचेन, सियाचेन का तो आपको याद होगा एक न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़ना चाहता हूं आप ही के बीच से एक मित्र ने उस आर्टिकल को इस न्यूज रिपोर्ट को लिखा था हेडलाइन थी कैन पीएमओ गिफ्ट अवे टू पाकिस्तान वॉट दी आर्मी हैज वन